सिख लेंस के बहुत सारे उपराले हैं और सिख लेंस क्या कुछ कर रहा है ह्यूमैनिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए क्या कर रहा है, और ये कम्युनिटी वॉइसेस बहुत कुछ दर्शाती है। और यही है कि इस सब से हम कुछ जानें, कुछ करना शुरू करें, कुछ सीखना शुरू करें और अग्रसर हों कि हम भी कुछ ऐसी वॉइसेस बने जिन्हें समझा जाना चाहिए, जिन्हें याद किया जाना चाहिए। बीके सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो आए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यू नो ऑल द वर्क विच सिख लेंस इज डूइंग इन लास्ट 25 इयर्स, दिस कम्युनिटी वॉइसेस इज वेरी डियर टू मी एंड दिस प्रोग्राम स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड। वी सॉ हाउ मेनी सिख पंथिक ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड दे वर डूइंग सेवा, बट वी ऑल्सो फाउंड आउट दैट मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर raising money within their own and they really didn't have digital assets, meaning they didn't have films, they didn't have websites proper to go amplify their message. So we created this program to test pilot with United Sikh Mission, and United Sikh Mission for the last 23 years were only doing 20 plus camps. And when we made their film, and I am happy to report today that ending December last year, they did 120 eye camps. So these films are helping them tremendously, but we need your support. And the support can come in multiple levels. You can recommend a good organization which you see within your neighborhood, which are doing great work. You can reach out to Ojaswi Sharma ji here and he will be more than happy to work with them. Second important thing is we need funds. We need funds so that we can amplify and create these type of digital assets, these digital tools, and make them aware how to apply for grants through CSR, through reaching out to bigger foundations like Ford Foundation, Gates Foundation. They are doing amazing work in India in education and healthcare, but how can we reach out to them to get funding for our Sikh organizations? So those are these assets which you are going to see during the whole day. Some of these films will be showcased. And I really want to have say a word of thanks to Ojaswi Sharma and his team. Thank you, Ojaswi, for all your help and leadership in creating this program in India. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। सिख लेंस अपना योगदान दे रहा है, आपको भी अपना योगदान देना है। किसी ना किसी सूरत में हम हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। ये था पहला सेशन और दूसरा सेशन जो है हम 12 बजे आरंभ करेंगे और उसमें फिल्म्स दिखाई जाएंगी। शुरुआत होगी फिल्मों से, डॉक्यूमेंटेड फिल्में आपको मिलेंगी, वो जो आपको भीतर से जगाएंगी, झंझोरेंगी, और साथ में ये भी कि वो फिल्में आप देखेंगे जिन्हें पूरी तरह से रिसर्च करके बनाया गया है और ये देखा गया है कि जो सिख कम्युनिटी है कहां कहां क्या कर रही है, कहां पहुंची और जिस जगह पहुंची और वहां किस तरह से सब कुछ बदला, उन्होंने अपनी जगह बनाई, इस तरह फिल्मों में बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एज ए फेस्टिवल डायरेक्टर मैं आज का प्रोग्राम आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। बाहर अभी जब भी आप जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन लगी हुई है आर्टिफैक्ट्स नरेंद्रपाल सिंह जी की, वो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी बुक्स हैं डिस्प्ले पे, वो आप ज़रूर देखिएगा। सिख लेंस का कैलेंडर है ईयर 2024 का, जो कि जपनीत कौर जो आर्टिस्ट हैं कैनेडा से, उनके रूट्स चंडीगढ़ से हैं बट शीज़ अ कैनेडियन आर्टिस्ट नाउ। तो सिख लेंस का 2024 का कैलेंडर आपको मिलेगा। ज्वेल्स फ्रॉम सिख विजडम सिख लेंस पब्लिकेशंस की बुक है, वो आपको बाहर देखने को मिलेगी। पूरे दिन में दोपहर 2 बजे से 3 बजे के सेगमेंट में आपको एक बहुत बढ़िया भांगड़े की परफॉर्मेंस, और उसके बाद एक प्ले है इतिहास गवाह है, वो इट इज़ नॉट टू बी मिस्ड।
उसके बाद 3 बजे फीचर फिल्म चलाई जाएगी और उससे पहले एक झलक दिखाई जाएगी सिख लेंस पब्लिकेशंस की बुक 1972 के लेजेंड सरदार कुलदीप सिंह भोगल द ओलंपियन ही इज अमंगस्ट अस ही सिटिंग राइट हियर इन द हॉल अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कुलदीप सिंह भोगल एंड वी हैव मोर हॉकी लेजेंड्स कमिंग इन कृपा जी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सो 506 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਅਨਦਰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰਿਸਾਈਟਲ ਆਫ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਈ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀਲ ਹੈਵ ਅ ਫੈਬੂਲਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਗਤਕਾ ਗਤਕਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਮਿਸਡ ਐਂਡ ਇਫ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਗਤਕਾ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ ਲਾਈਵ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਸਪੈਲ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਦੈਨ ਵੀਲ ਹੈਵ ਦ ਫਿਲਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਿਲਮਸ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੌਟ ਇਨ ਕਲਸਟਰ ਫਰੋਮ ਦ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀਲ ਹੈਵ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਿਲਮਸ ਦੈਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈਵ ਫਿਲਮਸ ਦੈਟ ਹੈਵ ਬੀਨ produced by the Sikh Lens Productions in Pakistan. So we'll have a lot of culture and shared heritage to talk about what the culture on the other side of the line is. So you'll get to see that in the evening segment. And then we have a fabulous performance of Malwai Gidda Bhangra. That is the closing performance for the day. So nothing is to be missed. We have worked round the year to bring new talent, to bring emerging filmmakers, to inspire the young community, the young artists, the young authors and senior authors to come forward to put this festival together. I'm very grateful. We have a very wonderful morning turnout today. It has been one of the finest in the last years and I'm really grateful to the Sikh Lens Foundation for bestowing this belief in India and in Chandigarh and allowing us to do the 5th consecutive film festival in Chandigarh. We'll take this beacon forward in the coming years. We are trying to multiply the programming, take it to multiple cities. And as Vicky ji rightfully said, it cannot be done and it is not complete without the support of the community. So the community, you all have to come forward, recommend more artists, recommend more filmmakers, bring in more sponsorship ideas and help us expand this whole idea throughout the year. We had a very fine press conference in Chandigarh and in the conference, the Sikh Lens Foundation did announce that this year we'll be doing a lot of masterclasses, a lot of programs throughout the year to include more people and take the idea forward. Yadi tusi filma submit karan di vi gal karde ho, ta there is a board put up in the venue that will explain you ki if you are making films and if you want to submit films to Sikh Lens, how can you do that? So the entries will open from 1st of March and will go until 30th of September. So you can apply for with your films. And if you are looking forward for fellowships in filmmaking, please contact me and we'll guide you the route how you can make films with the Sikh Lens program in India. You bring your subject forward to us and we will be happy to take it forward. If you're writing books, you just bring us the ideas. Let's see what we can do together. So the play is not to be missed, neither the Bhangra, neither the Gidda, neither the Zafarnama performances and neither the films. And this, for the first time, we have a feature film playing at 3 p.m. That is called 1947 Brexit India. We are also happy to announce that the makers of the film, Shri Sanjeevan Lal, the director of the film, is also present here amongst us. A big round of applause for him. The film also played at the International Film Festival of India, Goa this year. The show is going to be endless. I think for me to continue more, we'll do the next film festival and I'll bring in more thoughts and more ideas. So our next session begins sharp at 12. There'll be photographs at the red carpet. The media is waiting at the red carpet and the films will begin here. And I'll give charge to Nirmoy sir. Big round of applause to him. He's one of the pillars and the most iconic hosts ever in India that who lives here in Chandigarh, and we are very thankful to him for being the master of ceremony for the commencement program of today's Sikh Lens Sikh Ansar Film Festival 2024. Thank you.